मोटो एच 50 फ्यूजन। देखो ये फ़ोन जो है ऑफर्स के साथ आपको 21,000 रुपये में मिल जाएगी, और इसमें आपको अट्रैक्टिव डिजाइन, IP68 की रेटिंग, 144 SP OLED डिस्प्ले और 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप है। मतलब कि इस प्राइस पॉइंट में जो कुछ मिलना चाहिए सब कुछ मिलता है, बट फिर भी इसका रियलिटी क्या है वो जानेंगे इस वीडियो में। तो देखो एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा कि इसका डिज़ाइन एंड जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छा है। फ़ोन को हाथ में पकड़ने से ऐसा लग रहा है कि कोई ढंग सा महंगा वाला फ़ोन पकड़े हैं, और फ़ोन को सामने से देखते हो तो काफ़ी अच्छा दिखता है। और इसमें 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लिम और लाइट वेट है, और आगे पीछे दोनों तरफ से कर्व है तो ग्रिप वगैरह भी काफ़ी अच्छी रहेगी। और सामने में 6.7 इंच का फुल HD+144Hz 3DP OLED डिस्प्ले है विथ सेंटर पंच होल के साथ। और हाँ, जैसा कि मैं बताया कि डिस्प्ले सामने से दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। बाकी इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और 1600 nits की पीक ब्राइटनेस है। देखो ओवरऑल डिस्प्ले की कलर, कंट्रास्ट सब कुछ बढ़िया है। YouTube के अंदर आप 4K वीडियो भी देख सकते हो, बट 4K HDR कंटेंट आप YouTube में नहीं देख सकते हो, और साथ ही Netflix में भी नहीं देख सकते हो। बाकी इसका जो फिंगरप्रिंट पोजीशन है वो थोड़े से नीचे और काफ़ी ज़्यादा स्लो है, मतलब उतना भी ज़्यादा स्लो नहीं है। बाकी इसके अलावा इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें, जैसे कि एक 5G फ़ोन है तो इसमें 15 5G बैंड का सपोर्ट है, डुअल स्टीरियो स्पीकर है, NFC का सपोर्ट और हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट है। इसके अलावा ये फ़ोन जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर के ऊपर आता है, जिसका एंड्रॉइड तो इसको लगभग 6 लाख है। देखो इसमें आप हाई टू अल्ट्रा सेटिंग में 40 FPS तक कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गेमिंग एक्सपीरियंस आपकी एकदम मक्खन जैसी रहेगी। बट जैसे ही आप 1 से 1.5 घंटा गेमिंग कर लेते हैं तो फ़ोन जो है हल्का हल्का गर्म और लैगी से फील होने लगता है। देखो इसमें LPDDR4X का रैम टाइप है और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है, जो कि इस प्राइस पॉइंट में हमें UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल सकता था, बट कोई ना, इस बार मोटोरोला ने अपने फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया है। इसमें भले ही UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप दिया है, बट टक्कर UFS 3.1 को भी अच्छे से दे रहा है, तो इस बार अपना फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज किए हैं। बाकी सिंपल आप ये समझ लीजिए कि इसका परफॉर्मेंस जो है वो कैजुअल यूजर्स के लिए है, जो कि ज़्यादा हैवी यूजर्स नहीं है। बाकी इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो देखो ये फ़ोन जो है बैक साइड डुअल कैमरा सेटअप के साथ आता है, जो कि इसका मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का विथ OIS के साथ। इसमें सोनी लाइटियर 700C का सेंसर लगा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा सेंसर है नो डाउट, और दूसरा 13 मेगापिक्सल का है, जिससे आप अल्ट्रा वाइड और मैक्रो दोनों फ़ोटो एक ही सेंसर से निकाल सकते हो। और सामने में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। देखो इसके रियल कैमरा और सेल्फी कैमरा दोनों से ही आप 4K वीडियो 30 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और यदि फुल HD पे करना चाहते हो तो उसमें आपको 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। देखो इस फ़ोन का कैमरा मैं उतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोल सकता, बट मतलब कि मिड में है। मोटोरोला अपने फ़ोन में सब कुछ बैलेंस चीज देने की कोशिश करते हैं। बाकी ये फ़ोन जो हेलो UI पे रन करता है, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स एंड्राइड 13 पर बेस्ड है। और अच्छी बात, इसमें मोटोरोला वालों ने 3S की मेजर अपडेट और 4S की सिक्योरिटी अपडेट का प्रॉमिस किया है, जो कि आई होप कि निभा पाएं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि इनका अपडेट वगैरह कितना ज़्यादा घटिया है। बाकी UI काफ़ी अच्छी है, कई सारे इसमें अच्छे अच्छे फीचर्स भी हैं। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं कि ये फ़ोन किन लोगों को लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं। तो देखो मोटोरोला जो है अपने मैक्सिमम फ़ोनों को स्पेशली एक चीज़ के लिए नहीं बनाता है, जैसे कि पोको और आईक्यू वालों मैक्सिमम गेमिंग के लिए फ़ोन बनाते हैं, और सैमसंग और वीवो वाले मैक्सिमम कैमरा के लिए फ़ोन बनाते हैं। बट वहीं पे मोटोरोला जो है सभी चीज़ों को बैलेंस करता है, ये नहीं कि परफॉर्मेंस को काफ़ी अच्छा कर दे और कैमरा को काफ़ी लो कर दे, या फिर कैमरा को काफ़ी अच्छा कर दे और डिस्प्ले को काफ़ी लो कर दे, ऐसा मोटोरोला वाले फ़ोन नहीं बनाते हैं। मतलब कि मोटोरोला वाले जो हैं अपने फ़ोन में सभी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते और ऑलराउंडर फोन बनाते हैं। तो आपको क्लियरली समझ में आ ही गया होगा कि ये फोन किन लोगों के लिए है। तो देखो यदि आपका बजट 20 से 25 हज़ार रुपए है और इस प्राइस पॉइंट में आप ऑलराउंडर फोन लेना चाहते हो, जिसमें आपको अच्छी कैमरा मिल जाए, अच्छी गेमिंग मिल जाए, अच्छी डिस्प्ले मिल जाए, बट हाँ बहुत अच्छा कैमरा और बहुत अच्छा गेमिंग की एक्सपेक्ट मत करना। ऑलराउंडर फोन बोला मतलब कि कैजुअल यूजर्स के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। इससे यदि आपको थोड़ी सी भी कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।